हेलो एवरीवन आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो भी एग्जाम की तैयारी चल रही है वो अच्छे से चल रही होगी अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ये थोड़ा पुराना है पर इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एट सेवेंथ तक हो चुका है आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो एट है और आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड जी के क्वेश्चन कौन सा झारखंड जी तो जन, के तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन है दसवें तीर्थंकर दसवें तीर्थंकर कौन थे जैन जैन धर्म के तो शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ पर है तो ये झारखंड में कहाँ पे है तो भद्रकाली मंदिर के पास तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्नी या चिन्नी बौद्ध यात्री फहयान ने गया से इतखोरी की दूरी कितने ली एक चीनी माप बताया है ये जो फहयान थे इन्होंने इतखोरी से गया की दूरी को कितना बताया गया है तो इक्कीस ली तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौर राजपूतों ने सिंग में राजवंश की स्थापना कब की थी तो कब की थी छः सौ तिरानवे ईस्वी में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किन पठान विद्रोहियों ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग बगावत के लिए किया करते थे तो कौन करते थे गाजी का करते थे जुनेद खां और बयाजिद खां ये सब करते थे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा उपयुक्त सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अठारह के विद्रोह का सेनापति कौन था तो विद्रोह का सेनापति कौन था पांडे गणपत राय तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत लैंड रेस्टोरेंट एक्ट किस वर्ष बनाई गई तो किस वर्ष ये बनाई गई उन्नीस में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया तो इसका नामकरण कब किया गया बीस इक्कीस जनवरी उन्नीस को तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वा जिले का निर्माण तो गढ़वा जिले का निर्माण कब हुआ एक अप्रैल उन्नीस को तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है केला जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ तो केले जिले का निर्माण दो हज़ार एक में हुआ तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में लिंगानुपात कितना है तो झारखंड में जो लिंगानुपात है वो एक हज़ार पे उन्नीस सौ तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनजाति है तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो टू परसेंट है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी महली जनजाति कितने उपजातियों में बटे है तो कितने उपजातियों में पांच तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है तो झारखंड की भाषाओं को तीन भागों में बांटा गया है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में आधुनिक पत्रकारिता का आरंभ किस वर्ष से आरंभ हुई तो ये कब से आरंभ हुई अठारह से तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया तो कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद तीन सौ के तहत तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय बोयरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद दो सौ दो के तहत तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल वर्षा का अस्सी प्रतिशत से अधिक किस माह के बीच होती है तो जो कुल वर्षा होती है उसका अस्सी प्रतिशत कौन महीना में होता है तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो तो जून से अक्टूबर के बीच तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कृषि भूमि का सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है तो वो कितना है आठ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है तो वो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितने लाख हेक्टेयर है तो कितना लाख हेक्टेयर वन पॉइंट पॉइंट नाइन फाइव लाख हेक्टेयर तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की, कित की संख्या कितनी है तो चार सौ चौबीस तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वर्ष प्रदूषण कम करने की नीति बनाई तो केंद्र सरकार ने कब बनाई थी उन्नीस सौ बिरानवे ईस्वी में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है रांची में और रांची में कहा तो और मांझी में कहा रांची में एक जगह है जहां और मांझी के नाम से जाना तो वहां पे ये बिरसा भगवान जैविक उद्यान है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो नौ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं तो कितने एटी नाइन तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसी राइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है तो उससे क्या प्राप्त किया जाता है तीन तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है तो वो कौन सा है झारखंड तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है तो ये तिलैया डैम बराकर नदी पे है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का पहला राज्यपाल कौन था तो झारखंड का जो पहला राज्यपाल था वह प्रभात कुमार तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौतीसवें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में, तो में हुआ था तो ये किस शहर में हुआ था तो ये रांची में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन क्वेश्चन है डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं तो कौन सा न्यूमेरिक का तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन है कंट्रोल यूनिट है मेमोरी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये सब है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्न करता है तो किस में करता है अर्थमेटिक में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड का आरंभकर्ता कौन है तो पंच कार्ड का आरंभकर्ता कौन थे जॉफिस मेरी जो कि इसमें नहीं है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था सिद्धार्थ तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है तो सर्वाधिक योगदान किसका है योगदान किसका है वन न्यूमान का तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डेस्क की कुंजी दबाएं तो कौन सा कुंजी दबाते हैं होम का तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में डेस्क के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है तो कौन सा पद्धति कीबोर्ड की तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है प्रिंटर है मॉनिटर है प्लॉटर है ये जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश में स्टोरेज माना जाता है तो किस में माना जाता है तो नॉन वोलाटाइल टाइल में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल सिस्टम अस्थाई रूप से कहाँ संग्रहण में रहता है यहाँ पे डैश है तो कहाँ संग्रहण में रहता है तो ये कहाँ रहता है सेकेंडरी में तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है तो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी है वो क्या है तो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंकोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जरूरत नहीं होती है तो मशीन लैंग्वेज की तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है तो लॉजिक गेट क्या है एक प्रकार का सर्किट है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है सिस्टम क्या है तो ये क्या है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिफिकली कनेक्ट करता है तो वो किसके माध्यम से कनेक्ट करता है तो लैन लोकल एरिया एरिया नेटवर्क से तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट कॉम डोमेन का संबंध है तो इसका जो संबंध है वो किससे संबंध है तो व्यापारिक संस्था तो से, से, तो से, से तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है www से शुरू होने वाला पता किसके किस से संबंध रखता है तो ये किससे संबंध रखता है वेबसाइट से तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकप्रिय विंडोडिंग इन्फॉर्मेशन विंडोज थ्री माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है तो वो कौन सा निर्मित की गई कब की गई थी तो उन्नीस सौ नब्बे में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता ये जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उस नियम पर ये कार्य करता है तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायू, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने ये जो वायुमंडल में बादल तैरता है वो किस कारण तैरता है तो अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरता है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है तो कौन से कारण से दूध को मथने पर मलाई अलग हो जाती है तो ऑप्शन के अनुसार क्या हुआ अब केंद्र प्रसारी बल से आप लोग एक क्वेश्चन को जानते होंगे अगर दूध से क्रीम या मलाई हटा लेने पर दूध का जो घनत्व है वो बढ़ता है या घटता है तो वो हमेशा बढ़ता है इस चीज़ को याद रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो वो कौन सा क्या होता है मात्रक कैंडेला और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य है तो इसमें कौन एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो ये चीज़ जानते होंगे नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू द फिफ्टीन मीटर तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल बराबर होता है तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है तो यूरेनियम का उपयोग होता है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसर या लेजर बीम का उपयोग होता है तो इसका उपयोग किसमें होता है की चिकित्सा में तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुआन और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है तो कौन सी धातु प्रयोग की जाती है निकेल का तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाय आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि ये आग बुझाने में क्यों उपयोगी है तो यह गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है तो कौन सी धातु सबसे हल्की होती है तो लिथियम तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर निम्न असिंतृत हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर है तो वो कौन सा है आइसोप्रीन तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या विस्फोटक नहीं है तो इसमें कौन सा विस्फोटक नहीं है ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्लूकोसेमा इन ये जो है वो विस्फोटक नहीं है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर बनाने में किस किनवन का प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग रे नींद का तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जंतु मछली फिश नहीं है तो इसमें कौन सा जंतु है जो कि मछली फिश नहीं है वो सिल्वर फिश तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख में निकट दृष्टि दोष कब माना जाता है आँख में जो ये निकट दृष्टि दोष माना जाता है वो कब जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती हो तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा रोग रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है ये जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है फीमर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो वो कौन सा है ट्रिटिकेल तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीष्म हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो ग्रीष्म हाउस प्रभाव में कौन सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी आज इसमें जो जीएस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगी इसमें सिर्फ झारखंड जी के कंप्यूटर और साइंस क्वेश्चन है अलग से कुछ सेट करा दूंगी जीएस का जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी ज्योग्राफी और कुछ करेंट का क्वेश्चन शामिल रहेगा जो कि वो अलग से करा दूंगी और उसका सारा ऑप्शन का डेफ़िनेशन अच्छे से करूंगी ताकि वो आपको अच्छे से याद भी हो जाए तो इस सेट में अभी तीन ही पार्ट को मैं ली हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू